मुझे यकीन है आपको दोस्ती मुझसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप सब जानते होंगे कि दोस्ती कैसे निभाना है, पर फिर भी एक गलती है जो अक्सर लोग अपनी दोस्ती में करते हैं और इसकी वजह से अपने अच्छे दोस्तों को ज़िंदगी भर के लिए खो देते हैं। देखिए दोस्तों, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, हर रिश्ते में कभी कभी थोड़ी गलतफहमी हो जाती है और दोस्ती के रिश्ते में भी ये बात होती है। और जब दोस्ती के रिश्ते में ऐसा होता है तो दिल बहुत दुखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम दोस्तों से बहुत उम्मीद करते हैं और जरा सी गलतफहमी भी दिल तोड़ने के लिए काफ़ी होती है, और उसके बाद हम अपने मन में बहुत सी बातें बना लेते हैं, उन दोस्तों के लिए बुरा कहने लगते हैं और चाहने लगते हैं जिनके लिए हम जान देने और लेने को तैयार रहते थे। और ये होता है सिर्फ और सिर्फ उन गलतफहमी की बातों की वजह से जो सच भी नहीं होती, और हम उन्हीं झूठी बातों को सच मानकर अपने रिश्तों को बिगाड़ लेते हैं, जबकि सही एक्शन होता है बात करने का और गलतफहमी को दूर करने का। अगर बात करने के बाद भी कोई समाधान ना निकले तब कोई राय बनाना अलग है, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपके दोस्तों की कोई बात आपको बुरी लग गई है या किसी बात की वजह से आपके और आपके दोस्तों के बीच कोई गलतफहमी हो गई है तो उसे पब्लिक के सामने कभी भी आगे मत बढ़ाइए। पब्लिक में कभी भी अपने दोस्तों को बुरा मत बोलिए। ऐसी कंडीशन में या तो उस गलतफहमी को भूल जाइए या फिर आप अपने दोस्तों से अकेले में बात करके अपनी गलतफहमी को मिटाइए, ताकि आपकी दोस्ती हमेशा बनी रहे। और यही आज का वन मिनट विजडम है। ये विजडम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए ऐसे ही वन मिनट विजडम हर दिन देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।